जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, लाडो लाडियो, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली दिल्ली पुलिस की कट ऑफ को लेकर है कि दिल्ली पुलिस की फिजिकल कट ऑफ कितनी रह सकती है। ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आप सबने देखा होगा हमारा जो कमांडो अकेडमी फिजिकल वाला चैनल है उस पर अभी लगातार दिल्ली पुलिस फिजिकल के वीडियो जा रहे हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग के। तो काफी बच्चों ने बोला कि सर आप पहले से ही फिजिकल की तैयारी क्यों कराते हैं, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है इसमें। एक तो 1600 मीटर की रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, और कई बच्चे ये मान के चले कि 100 में से 35 से 40 बच्चे इसके फिजिकल में फेल हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल। अब कईयों को समझ में नहीं आता मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस दिन कट ऑफ आएगी फिजिकल की, नाम आएगा उसके बाद में आपके पास 5 से 10 दिन बचेंगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, समझ के बात को। इसलिए आपको ये वीडियो काफी मदद करेगा, क्योंकि इसमें मैं पिछली जो कट ऑफ रही है फिजिकल की वो भी बताने वाला हूं, वो इस बार क्या रह सकती है वो भी मैं आपके सामने बताने वाला हूं। लाडलो, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये बुक्स आप ले सकते हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह अवेलेबल है। अमेजन पे ये ज्यादा बेटर प्राइस में अवेलेबल है भाई। 1 दिसंबर से हमारा निर्धन बैच शुरू हो रहा है एसएससी जीडी के लिए, जो कि मात्र 99 रुपए में पूरा का पूरा लाइव बैच है, ठीक है, क्लासरूम से सीधा लाइव रहेगा ये बैच। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस फिजिकल कट ऑफ 2021। आपको सबसे पहले हम इसका अनुमान लगाएं, उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी यह है कि पिछली कट ऑफ क्या रही थी। आपको बता दूं दिल्ली पुलिस की ओवरऑल एक ही मेरिट निकलती है, ऐसे एसएससी जीडी की तरह स्टेट वाइज इसकी कट ऑफ नहीं लगती है। तो पिछली बार कैटेगरी वाइज भी बता देता हूं, देखिए कांस्टेबल मेल की क्या रही थी कैटेगरी वाइज पिछली बार फिजिकली कट ऑफ, ठीक है। पिछली बार ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी 343, ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी थी 343 वैकेंसी थी, और जो कैंडिडेट इसमें बुलाए गए थे वो बुलाए थे 4116। कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे? 4116, लगभग 12 गुना, ठीक है, 12 गुना से भी ज्यादा, मतलब 13 गुना के आसपास, मान लो 13 गुना से प्लस, लगभग 13 से 14 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे। और जो फिजिकल इसकी कट ऑफ जो लगी थी वो मार्क आए थे जिस बच्चे के 51, कितने 51, उनमें से अगर उसके पार्ट ए में 11.75 और पार्ट बी में 20 नंबर रहे थे तो, और साथ में डेट ऑफ बर्थ का भी इसमें रहता है प्लान कि जिसकी थोड़ी ज्यादा होती है, अगर नंबर जब मैच हो जाते हैं तब जिसकी एज ज्यादा होती है उसको प्रायोरिटी पहले मिलती है, समझ की बात को। कुल मिला के ईडब्ल्यूएस से 51 नंबर वाले बच्चे को पिछली बार फिजिकल के लिए बुलाया था। एससी कैटेगरी से पिछली बार पोस्ट थी 590, बुलाया कितना था ऐसी कैटेगरी से 7080 बच्चे। क्यों क्यों बुलाया आपको पता, क्योंकि ऐसी कैटेगरी से पोस्ट खाली रह जाती, इसलिए इतने ज्यादा बच्चे बुलाए, ताकि कई बच्चे क्या होता है फिजिकल में बहुत बार होते हैं इसके, इसीलिए ज्यादा बच्चों को बुलाया। आप सोचिए अगर यही एसएससी जीडी होता तो मैक्सिमम 10 गुना से ऊपर नहीं बुलाते, यानी 590 होता तो यहां पर जो बुलाए जाते बच्चे वो सिर्फ 6000, लेकिन इसमें देखो कितना गुना बुलाया गया है, 14 गुना। तो ध्यान रखना अगर आपके नंबर ठीक ठाक भी है, पिछली बार एससी कैटेगरी की रही थी भाई 51 पर, समझ गए। इसके बाद में आती है एसटी, 157 पोस्ट पर 1884 बच्चों को बुलाया गया था, 55 पर रही थी एसटी। ओबीसी की 662 पोस्ट थी, कितनी पोस्ट थी 662, ये मेल की बता रहा हूं ध्यान रखना, कट ऑफ 662 पोस्ट पर ओबीसी से बंदे बुलाए गए थे, लगभग 8000 पर मेरिट रही थी, कट ऑफ रही थी 58 फिजिकल के लिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी की पिछली बार पोस्ट थी 1681, 20000 बच्चे बुलाए गए थे फिजिकल के लिए 1681 पोस्ट पर, वही सेम 14 गुना वाला पैटर्न चल रहा है, वो 61 रही थी, यानी 61 मेल की। अब आपको क्या लगता है इस बार कितनी ऊपर चली जाएगी, आपका ये मानना है कि सर इस बार कितनी ऊपर कट ऑफ जा सकती है। देखो ये सेम कट ऑफ भी रह सकती है, जो जैसे आप मान रहे हो ना पिछली बार, उस वो सेम ही कट ऑफ रह सकते हैं, उसमें बदलाव ज्यादा नहीं होगा। अगर होता भी है तो मैक्सिमम आप अगर इसमें प्लस कुछ करना चाहते हो तो आप इसमें 2-2 नंबर प्लस कर सकते हो, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी फिजिकल की। ध्यान रखना जो पिछली बार कट ऑफ रहेगी अनुमानित उसके आसपास भी इस बार रहेगी, हो सकता है थोड़ा सा 19-20 ऊपर हो, तो अगर आप इससे 2-2 नंबर प्लस चले जाओगे तो भी आपको फिजिकल के लिए जरूर बुलाएंगे, समझ गए बात को। अब बात करते हैं कॉन्स्टेबल मेन एक्स सर्विसमैन, तो इससे तो बहुत कम कैटेगरी है, हम करते हैं कॉन्स्टेबल फीमेल के लिए। मेल एक्स सर्विसमैन है, इनके तो अपने को ज्यादा मैटर नहीं करता, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेबल फीमेल के लिए। फीमेल के लिए काफी बच्चियां भी कॉल कर रही थी फिजिकल के लिए, तो मैं बता दूं आपको फिजिकल बैच शुरू हो गया दिल्ली पुलिस का। फिजिकल बैच की फीस की भी बता देता हूँ, फर्स्ट मंथ हमारे यहाँ फीस लगती है 10,000 रुपए,
उसके बाद में प्रति महीना 6,000 रुपए फी जिगल के। अगर आप कभी भी आगे आते हो, क्योंकि 4,000 रुपए ट्रेनिंग फीस एक ही बार लगती है, उसके बाद में कभी नहीं लगती है, आप कभी भी अकेडमी में आते हो तो अगली बार से 6,000 रुपए ही आपके मंथली लगते हैं। कॉन्स्टेबल फीमेल, पिछली बार AWS कॉन्स्टेबल फीमेल की 202 पोस्ट थी, जिस पर 2172 लड़कियों को बुलाया गया, यानी लगभग दुगुना, 202 पोस्ट पर मतलब 10 गुना बच्चियों को बुलाया गया था पिछली बार लड़कियों में। और मार्क कितने थे AWS के, 30 नंबर, यानी 30 नंबर मार्क पे ही बुला लिया गया था पिछली बार 2021 में। ऐसी कैटेगरी 328 पोस्ट, 3936 बच्चियों को बुलाया था 39 नंबर पे, ठीक है। एस टी कैटेगरी की 94 पोस्ट थी लड़कियों के लिए, 1128 बच्चियों को बुलाया गया था 39 नंबर पे। ओबीसी की 387 पोस्ट, 4644 बच्चियों को बुलाया था 44 नंबर पर, इसकी कट ऑफ लगी थी फिजिकल की। जनरल की 933 बच्चियां थी, 11196 बच्चियां बुलाई गई और 48 नंबर पर उनको बुला लिया गया था। इस बार भी पोस्ट और वैकेंसी कम नहीं है, 7000 से प्लस, 7500 प्लस वैकेंसी है, तो वो कम नहीं होती है, समझ गए बात को। इस बार पोस्ट और वैकेंसी पिछली बार की बजाय ज्यादा है, तो कट ऑफ ज्यादा ऊपर नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखिए आप, कट ऑफ ज्यादा ऊपर नहीं रहेगी। इसलिए आपको फिजिकल की तैयारी जरूर करनी चाहिए अगर आप इन नंबर से ऊपर कैटेगरी में आते हैं। आगे फाइनल मेरिट में कितने अंक बढ़ते हैं वो बाद की बात है, सबसे पहले आपको फिजिकल अपना तैयार करना चाहिए लाडलो। ये पिछली कट ऑफ से अगर लड़कियां ही बोलेगी इसमें, तो आप 1 से 2 नंबर प्लस कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इस बार लड़कियों की जो पोस्ट और वैकेंसी है पिछली बार की बजाय ज्यादा है, तो कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, कट ऑफ पिछले के आसपास ही रहने वाली है, उससे ऊपर ज्यादा नीचे। हाँ, AWS के इसमें प्लस हो सकती है थोड़ी सी, 2-3 नंबर, समझ गई बात को, बाकी और चांसेस कम है, क्योंकि पिछली बार के AWS के सर्टिफिकेट बहुत कम के पास में थे, अब ज्यादा लोगों के पास में बन गए, तो उसका वजह से थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, बाकी नहीं, बाकी को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप अगर हमारी अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, लाडलो पिछले 2 साल का हमारा रिजल्ट है, स्पेशली SSC GD का, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं SSC GD की, अगर फिजिकल भी करना चाहते हैं साथ में SSC GD की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या सिर्फ फिजिकल करना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।